सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठा रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी देगी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो भी हाल ही में बनी है वो भी देगी ऐसे करते करते रेवेन्यू जनरेट होता है राम मंदिर जो पूरा कैंपस बन रहा है हर जगह मतलब आपको रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली है भविष्य में धीरे धीरे -देर करके इकोनॉमिक में ये लोग बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे मुझे लगता है किसी ना किसी ऐसे ही अच्छे इंटेंशन से अखिलेश यादव ने भी कभी ना कभी अब करप्शन क्या है क्या है क्या अब वो नहीं मैं कह रहा हूँ रिवर फ्रंट बनवाया एकदम वर्ल्ड क्लास ऐसा वो भी क्लेम करते हैं उनकी जो अभी लेटेस्ट में वीडियो थी प्रचार के लिए म्यूज़िक वीडियो थी उसमें अच्छे से दिखाया गया कि लाइट शो बड़े बड़े फाउंटेंस बहुत बढ़िया था उस वक्त का बहुत बढ़िया था अब वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती लखनऊ की पहचान होती जनेश्वर मिश्रा पार्क तमाम ऐसी जगह हैं उनकी अगर कंडीशन सही रखी जाती पिछले पाँच साल में और आज की डेट में जो योगी सरकार के पाँच साल बीत गए अब नए पाँच साल शुरू हो रहे हैं तब से लेके अब तक कितना मेंटेनेंस हुआ कितना ध्यान रखा गया है गोमती रिवर फ्रंट का इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आप लखनऊ से हैं तो मेरे लखनऊ के मुद्दे उठाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं चाहता हूँ कि अथॉरिटीज़ तक एरिया के विधायक तक और यूपी गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है मैंने आज क्या नोटिस किया मैं आज खुद रिवर फ्रंट गया मैंने चीज़ें डिटेल में देखी और कई चीज़ें चौंकाने वाली थी इस वीडियो को पूरा देखिएगा इसको शेयर करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म तक और नए है सब्सक्राइब किया मैंने मच जाइएगा अब आपको दिखा दूं कि पहले क्या क्लेम किया जा रहा था कि रिवर फ्रंट कैसा दिखता था अब इतना हाई फाई काम इतना हाईटेक काम हुआ है इतनी लाइटनिंग फुवारे तमाम चीज़ें हुए हैं बहुत वर्ल्ड क्लास का कुछ बना के दिया गया इसी की वजह से भी कहा जा रहा है कि सपा सरकार में करप्शन हुआ है बहुत बड़े अमाउंट में कुछ हज़ार करोड़ का करप्शन है कैसे क्या है क्या नहीं है लेकिन अभी तक तो उस पर क्या जांच चल रही है क्या प्रोग्रेस है क्या कोर्ट में बात है क्या क्या नहीं कुछ ट्रांसपेरेंसी जैसा कुछ नहीं अभी तक किसी को क्लैरिटी नहीं आई है अगर हुआ है तो कितने लोग अंदर गए हैं कितने मंत्री विधायक नेता क्या है क्या नहीं कोई नंबर्स क्लियर नहीं डाटा क्लियर नहीं अभी की जो कंडीशन है मैं जो देखने गया वो कुछ नहीं दिख रहा था मुझे जो पहले इनकी वीडियो में दिख रहा था अखिलेश यादव जो अपनी प्रचार के समय वीडियो बनवाई थी अगर आप देखें तो नदियों में गंदगी तैर रही है प्लास्टिक्स के बैग तैर रहे हैं बोतल कूड़ा एक तरफ आपको दिखेगा झूम करके मैंने दिखाया है नाला वहाँ पे डंप किया जा रहा है तो गोमती नदी नहीं गोमती नाला बन के रह गई है अखिलेश सरकार में ही क्लेम किया जा रहा है इस गाने में ही कि गोमती का उद्धार तुमसे था ऐसा कुछ करके कि गोमती का इन्होंने बहुत भला कर दिया रिवर फ्रंट बनाना और गोमती एज अ होल जो पूरे लखनऊ से होकर गुजरती है उसका भला कर देने में बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि गोमती सिर्फ रिवर फ्रंट तक ही नहीं पूरे गोमती नगर से होते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ तक पूरे लखनऊ से होकर गुजरती है और अगर आप एक्सटेंशन वाले हिस्से में जाएंगे तो गोमती नदी और गोमती फ्रंट से लेकर यहाँ तक पूरा एकदम नाला बन चुकी है वाटर का कोई फ्लो नहीं है गंदगी तैरती रहती है रिवर फ्रंट की ये हालत है कि सारे मार्बल टाइल्स निकल रहे हैं बिजली के तार खम्भे से लटक रहे हैं वहाँ से पुल से जो पुल दोनों तरफ बने हुए हैं वहाँ पे लाइट अच्छे से लाइट शो जैसा कुछ होता था लाइट जलती थी मैं शाम तक रुका यही देखने के लिए कि क्या लाइट बची है कुछ लाइट नहीं बची थी सारी तारें लटक रही सारी लाइटें लटक रही हैं सब खराब हो चुका है सरप्राइज़ की बात तो ये है कि जो टूरिज़्म आप के स्टेट का आपकी सिटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे देश में और देश के बाहर छोड़ सकता था देश के बाहर क्यों कह रहा हूँ मैं भी बताऊँगा वो अब नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा अब वो आपकी छवि ख़राब करेगा अब वो इम्पैक्ट डालेगा कि एक बार कोई आएगा दोबारा नहीं आना चाहेगा और दस लोगों से और कहेगा कह रहे यार वहाँ कहाँ जा रहे हो वहाँ से अच्छा कहीं और चले जाओ वहाँ पे कहा जाता था कि बोटिंग हो रही है बोटें ऐसे सड़ रही हैं आप सब कुछ देखिए एक एक करके मैं सब दिखाना चाहता हूँ इतनी बुरी हालत है वहाँ पर कहीं बिजली के तार लटक रहे हैं कहीं कूड़े पड़े हुए हैं जहाँ जहाँ लोग पार्क में बैठते हैं वहाँ साइड में गड्ढे बन गए हैं वहाँ पे गड्ढे में डस्टबिन बना दिया गया उसको डस्टबिनों की अलग ख़राब हालत है मतलब जितनी सीढ़ियाँ हैं उन पर अलग थूक थूक के गंदा कर कर दिया गया है पेड़ टूटे पड़े हैं एकदम तो खंझड़ हो गए हैं कोई मेंटेनेंस नहीं है ठेके पर वहाँ काम होता मुझे नहीं पता आखिरी बार कब उसको साफ़ और मेंटेन करने का ठेका दिया गया था वहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं मतलब जो पत्थर के या जो भी ब्लॉक्स बने हुए हैं वो सब जर्जर हो चुके हैं अगर वो क्वालिटी का काम था तो इतनी जल्दी झरझर कैसे हो गया ये सब पाँच दस पचास साल का मार्जिन लेके बनाया जाता है इतने जल्दी खराब नहीं होते हैं ये रेलिंगें हैं गल चुकी हैं सड़ चुकी हैं इतनी बुरी हालत हो चुकी है कोई मेंटेनेंस नहीं है देख के लग रहा था कि वो बोर्ड का बना हुआ है पीओपी पी का बना हुआ है इसलिए जर्जर हो गया इतना खराब लग रहा है क्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं आई शायद इसीलिए सपा सरकार में करप्शन हुआ है ये इस बात का सबूत है कि देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसकी मजबूती क्या है कुछ नहीं दूसरी चीज़ भाजपा सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने पिछले पाँच साल में और शायद अभी तक कोई काम ऐसा नहीं कराया है जो नजर आए कि हाँ एक धरोहर है एक शहर की किसी भी सरकार ने बनाई हो आकर्षण है एक शहर का उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उसको मेंटेन करके रखेंगे लेकिन जस्ट बिकॉज कि अखिलेश यादव ने कुछ कराया है हम करवा देंगे तो अखिलेश क्रेडिट चला जाएगा उन्होंने नहीं करवाया शायद ही रिजन हो सकता है मैं चाहता हूँ कि जो जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो भद्दी से भद्दी तस्वीरें हैं गोमती नदी को गोमती नाला बनते हुए मैंने देखा है क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ गोमती नगर में रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ के मुद्दों को मैं प्रायोरिटी दूँ आपके सामने लाऊँ आप इसको आगे पहुंचाइए धीरे धीरे करके मैं और ऐसी जगहों पर जाऊंगा जनेश्वर जा मिश्रा पार्क हो गया गोमती नगर की सड़कें होंगी तमाम ऐसी जगहें हैं और भी लखनऊ में जो भी जगह होगी जहाँ पर बिल्कुल ऐसी बुरी हालत है पाँच साल की सरकारों के बाद अखिलेश ने भी कुछ खास नहीं किया योगी ने भी कुछ खास नहीं किया अगर ऐसा है तो मैं आपके सामने लाऊंगा आप आगे बढ़ाइए ये बात उस एरिया के विधायक तक पहुंचनी चाहिए जिसका ये काम है कि देखे ये बात सीएम योगी तक भी पहुंचनी चाहिए कि अब जनता ने मैंडेट दे के आपको लाया है फिर से तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिए कि दोबारा ऐसी गलतियाँ ना हो और इनको मेंटेन किया जाए अगर मैं सही तरीके से अपनी बात रख पाए तो मैं चाहता हूँ आप इसको शेयर करिए लाइक करिए कमेंट बताइए कि आपका क्या कहना है आप क्या गए हैं क्योंकि मैं पूरा सब कुछ देख के आऊँ घंटा दो घंटा बिता के आया हूँ दोपहर को गया था शाम को वापस आया हूँ ताकि एक शाम वाला व्यू मिल जाए वहाँ अक्सर शाम शाम का ही व्यू देखने जाते हैं और जो मैं भीड़ और टूरिज़म की बात कर रहा हूँ देश विदेश की जो मैंने बात की आपसे वहाँ पे लगभग दस के आसपास मैंने फॉरेनर्स देखे जो टहल रहे थे कुछ लोग बैठे थे अब अगर वो अपने देश में जाएंगे तो क्या बातें करेंगे क्या लखनऊ की छवि लेके जाएंगे वहाँ हजारों की तादाद में लोग टहल रहे हैं घूम रहे हैं पूरा गोमती रिवर फ्रंट भरा हुआ था खचा खच स्टेट के कोने कोने से लोग आए हुए थे ऐसा लग रहा था प्रजाति प्रजाति के लोग गाड़ियाँ देख लेंगे लोग देख लेंगे भीड़ देख लेंगे लाइटिंग देख लेंगे तो आपको लगेगा कि लोग कहीं घूमने आए कुछ घूमने लायक जगह है लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई जो हालत हो चुकी है जर्जर जो नदी नाला बन चुकी है अगर आप वो सब चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये छवि खराब ही करके जाएंगे दोबारा कोई वापस पलट के यहाँ नहीं आने वाला है मेरी राज्य सरकार से विनती है इस पर ध्यान दीजिए इसको सही कराइए और आगे मैं और भी ऐसे मुद्दे लाता रहूँगा अगर आप लखनऊ से हैं अपने शहर का अपने राज्य का भला चाहते हैं सुंदरीकरण चाहते हैं इन सारी जगहों का चाहे रिवर फ्रंट हो चाहे जनेश्वर पार्क हो चाहे जो चाहे कलेस ने बनवाया हो चाहे योगी ने बनवाया हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे शहर में तो सही होना चाहिए तो आप इसको आगे बढ़ाइए और शेयर करिए अथॉरिटीज़ तक ले जाइए और उस पर काम करवाइए फिर मिलते हैं अगले जय हिंद वंदे मातरम लाइक और शेट ठोक दीजिए महाकाल तो शेयर ठोक दीजिए पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए ये चार हजार के लिए यहां पे नहीं खड़ा हूं पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा